जोहार दोस्तों, मैं सावित्री और सावित्री कुमारी ऑफिशियल में मैं आप सभी का स्वागत करती हूं। दोस्तों, आप सभी को गणेश चतुर्थी की ढेर सारी शुभकामनाएं। दोस्तों, मैं उधर गई थी, आपने देखा हमारा ब्लॉग डांस सनातन में, मेरी तबीयत इतनी खराब हो गई थी। हम लोग एक दिन पहले ही गए थे और इतनी बारिश हुई कि क्या बोले, उस बारिश में मेरी तबीयत खराब हो गई। बस लुढ़कते पुड़कते मैं वहां तक, हमारे सब्सक्राइबर है, हमारे यूट्यूब फैमिली है, मैं उनको बोल तो नहीं सकती कि मैं नहीं जाऊंगी, क्योंकि मैं पहले बोल चुकी थी वीडियो में कि मैं जाऊंगी। तो मेरी बात यह थी कि मैं दवा खा के वहां गई थी, बस वीडियो के टाइम आवाज निकाल रही थी, वरना मेरे अंदर अंदर में क्या हो रहा था सिर्फ मुझे पता है। बहुत ज्यादा मेरी तबीयत खराब थी। सुबह सुबह भाई ने दवा ला दिया, बोले तुम दवा खाओ और चलो, नहीं जा पाएगी तो तुम रह जाओ रूम में, कोई दिक्कत नहीं। मैं बोली नहीं, जब उतना दूर आए हैं तो फिर चलो मिल ही लेते अपने दोस्त के साथ। तो दोस्तों चलिए, मैं आज का रेसिपी बनाने वाली हूँ लड्डू। आप समझ रहे हैं, लड्डू हर एक चीज में, पूजा हो, शादी हो, कोई भी चीज़ हो तो लड्डू चाहिए ही। तो आज मैं बहुत ही आसान तरीके से बनाऊंगी बूंदी के लड्डू। तो चलिए आइए। तो दोस्तों अभी मैं बनाऊंगी बूंदी, और फिर बूंदी बना के उसके बाद मैं बनाऊंगी लड्डू और पूरे परिवार को खिलाऊंगी, ताकि सबके, मैं आपको बता दूं कि मीठा खिलाना बहुत अच्छी बात है। मीठा खिलाइए, खुद भी मीठा रहिए और दूसरे को भी। तो दोस्तों ये देखिए, मैंने एक कटोरी बेसन ले लिया है, मैं और एक कटोरी बेसन लूंगी, दो कटोरी दूंगी इसमें। और देखिए दोस्तों, और एक कटोरी मैंने ले लिया और ये मैंने दे दिया, और इसमें मैंने दो कटोरी मैंने बेसन दे दिया। अब मैं इसको अच्छे से पहले मिला लेती हूँ। तो दोस्तों इसी कटोरी में मैंने बेसन दो कटोरी दिया है, इसलिए पहले मैं एक कटोरी पानी देती हूँ उसी कटोरी में, ताकि नाप मेरा अच्छा से रहे। इसलिए मैं दे रही हूँ इसी कटोरी से एक कटोरी पानी, और फिर घटेगी बढ़ेगी तो मैं फिर दूंगी। और तो दोस्तों देखने से ही लग रहा है कि इसमें और पानी चाहिए, इसलिए मैं वो कटोरी को नापी में रखी हूँ। अब मैं क्या करती हूँ, उसमें और एक कटोरी में पानी ले लेती हूँ। दोस्तों एक कटोरी मैंने पानी दिया, मैं आधा कटोरी दे रही हूँ और आधा रख दे रही हूँ, घटेगा बढ़ेगा बाद में दिया जाएगा। तो दोस्तों इसको ऐसे करके मैं 7 मिनट तक मिलाऊंगी। 7 मिनट तक मिलाने का रीजन ये है कि अच्छा से ये मिल जाए। दोस्तों अब मैं इसमें चुटकी भर लगा देती हूँ कलर, बूंदिया का कलर मैं मिला देती हूँ। मिला दूंगी थोड़ी सी खाने का सोडा, चुटकी भर, दोनों चुटकी चुटकी भर मिलाऊंगी, ताकि ये अच्छा से फूले और कलर भी अच्छा हो। और दोस्तों मैंने चुटकी भर मीठा सोडा लिया है, मैं इसमें डाल दूंगी, ताकि बूंदे मेरे जो है, जो मैं बूंदे बनाऊंगी वो अच्छा से फूले और अच्छा लगे। और अभी मैं उनके लिए भी एक कलर भी डालूंगी, जो हम लोग हमेशा बूंदे में डालते हैं, वो कलर भी मैं लाई हूँ। तो ये मैंने मीठा सोडा मिला दिया, मैं थोड़ी कलर मिला देती हूँ। और ये मैंने थोड़ी सी कलर ले ली है, ये मैं कलर क्या करती, चाशनी में भी मिला सकती थी, लेकिन मैं चाशनी में नहीं मिलाई, क्योंकि वो रस्सी, वो जो चाशनी है, वो चाशनी मेरे बाद में काम आए। रोटी के साथ मैं बच्चे लोगों को वो चाशनी जो बच्चे की मैं खिला सकती हूँ, क्योंकि हमारे बच्चे मीठा बहुत खाते हैं, या फिर मैं और भी कुछ रसगुल्ला वगैरह कुछ बनाऊंगी तो मेरे काम आ जाएगा, ज्यादा बन गया तो। ऐसे मैं तो सोची कि जितना मैं चाशनी बनाऊंगी उतना ही बूंदिया उसी हिसाब से बनाऊंगी। तो पहले मैं इसको अच्छा से मिला लेती हूँ। दोस्तों मैं इसे 5 मिनट के लिए ऐसे रख देती हूँ, अच्छा से भीग जाए, तब तक मैं जो होती तेल गरम करने दे देती। यो मैंने साइड कर दिया। तो दोस्तों मैंने कढ़ाई चढ़ा दिया है और मैं आग भी जला ली हूँ, और अभी मैं बनाऊंगी चाशनी। खाना है आप लोगों को, पीछे में मेरे बहुत सारे बच्चे बैठे हैं जिसके मुँह से पानी निकल रहा है, लेकिन अभी चाशनी नहीं मिलेगी, बनाई नहीं तो मिलेगा क्या। और आपने देखा, मैं जब भी मैं बना रही हूँ, जैसे मैंने, और जहाँ से मैं बेसन में पानी भी डाली वो भी दो कटोरी डाली, लेकिन दो कटोरी पूरा नहीं लिया मेरा। और इसमें भी जो मैं चाशनी बनाऊंगी उसमें भी मैं दो कटोरी ही पानी दूंगी, और उसी कटोरी में मैं नाप के दे रही हूँ, ताकि ज्यादा कम ना हो, सेम रहे। ये मैंने दो कटोरी पानी दे दिया और मैं इसे दे देती हूँ गर्म होने के लिए, फिर मैं चीनी डाल देती हूँ। और देख रहे दोस्तों, मैं दो कटोरी चीनी भी दूंगी, ताकि अच्छा से चाशनी बने। ये मैंने एक कटोरी दे दिया और एक कटोरी, और दोस्तों ये रहा मेरी दूसरी कटोरी, इसमें तो मेरी चाशनी बहुत ही अच्छी बनेगी, बहुत ही मीठा बनेगी और बहुत ही गाढ़ा बनेगी। और दोस्तों यहाँ पर मैं थोड़ी सी इलायची मिला रही हूँ, क्योंकि इलायची मिलाने से बहुत ही अच्छी इनमें फ्लेवर आ जाती है, बहुत ही अच्छी टेस्टी बनती है। तो ये मैंने कुछ इलायची, मैंने उसका बीच सबको ऐसे करके देखिए छुड़ा के रखी हूँ, और बीच सब मैं दे दी। जल रहा है ना? हाँ जल रहा। तो दोस्तों बात ये है कि
मेरी भाभी को भी लगना पड़ा। लगने का रीजन ये है कि मौसम खराब हो चुकी है, आप देख सकते हैं। अगर पानी आ गई ना तो मेरा जितना मैं जो लड्डू बनाने वाली हूँ ना, शादी के लड्डू, वो सारा एक्चुअली मेरी शादी का ही लड्डू है। पहली बार आप देख रहे होंगे कोई दुल्हन अपनी शादी के लिए लड्डू बना रहे। ये लड्डू मैं बचा के रखूंगी और अपने शादी में सबको खिलाऊंगी। अभी जो भी आ रहा है वही बोल रहा है शादी का लड्डू खिलाओ, शादी का लड्डू खिलाओ। चलिए खिला देती हूँ मैं अपने हाथों से बना के। तो ये बनाऊंगी तो लेट हो जाएगा। तो दोस्तों इधर से मेरी चाशनी बनके तैयार हो चुकी है। भाभी अब उधर उसको उतार, लट हो गई ना आराम से, मैंने चेक कर लिया, और आप भी चेक कर लीजिए हो गई है। और इधर से मेरी तेल भी गर्म हो चुकी है। अब मैं बनाऊंगी बूंदी। और ये देखिए मेरा सारा अभी यहाँ पर सब कुछ मैंने तैयार करके रखा है, बस अभी बनाने ही वाली हूँ। ये जो मैंने छलनी लिया है, हम लोग झंझरा बोलते हैं अपने लैंग्वेज में, इसको मैं सीधी रखूंगी, हिलाऊंगी तो फिर इधर उधर हो जाएगा। और ये मैंने दे दिया, जितना ऊपर रखूंगी उतना अच्छा से होगा। तो ये देखिए कितना अच्छा फूल रही है। माय गॉड गजब। हम लोग ननद भौजाई दोनों लग चुके हैं बूंदिया बनाने के लिए, और पूरे गांव में अभी बांटेंगे। क्या बांटेंगे रे? लड्डू, शादी के लड्डू। एक बार जो खाए वो बार बार खाए ना, क्या ऐसे है? जो ना खाए वो पछताए, और जो खाए वो भी पछताए, वो ललचाए नहीं पछताए, वो पछताए। तो इधर से मेरी भाभी छाक रही है और मैं इधर से डालूंगा। मैं इसको इस साइड में रख दूं क्या? नहीं नहीं ठीक है। अब हम लोग दोनों डिसाइड किए हैं कि शादी में मिस्त्री नहीं लगाएंगे बूंदिया बनाने के लिए। हम लोग दोनों काफी है, बना लेंगे ना आराम से सबके लिए। और भाई ये रसगुल्ला नहीं मिलेगा, बूंदिया, बूंदिया से मीठा कोई चीज नहीं होती, तो सबको बूंदिया खिलाएंगे कटोरी कटोरी। बूंदिया दही, बूंदिया और दही, सही बोली। लड्डू भी मिलेगा? हाँ लड्डू भी देंगे, लड्डू भी तो बनाऊंगी, बूंदिया लड्डू सब बना रहे थे। लेकिन क्या हुआ ना, अचानक से बादल छा गया और काली बादल आ गई, जिसके कारण हम लोग चूल्हा चौका लेके फिर से हमें किचन में घुसना पड़ा। तो ये मैंने खरबूज के बीच लिए, इसको मैं हल्का हल्का इनको फ्राई करूंगी, और मैं वो लड्डू में मिलाने में बहुत ही अच्छी देखने में आती है। और मैंने ऐसे हुआ ना बादल की क्या बोले ना, तो मैं ठीक से दिखा नहीं पा रही थी, उनको लग रहा था कि इधर फिर हो पाएगा कि नहीं, जिसके कारण हम लोग अंदर आ गए। फाइनली मेरी सारा बूंदी बनके तैयार हो चुका है, इसको मैं हल्का सा फ्राई करके मैं आगे ही प्रोसेसिंग करूंगी। ये मेरी फ्राई हो चुकी है दोस्तों। सबसे पहले आप देख लीजिए मैंने इतने सारे मैंने बूंदे बनाई है। ये देखिए ये मेरा सारा बूंदी है, ये देख सकते हैं बहुत सारा मैंने बूंदी बनाया। अब मैं ये क्या करूंगी, ये बूंदी में चाशनी में डाल दूंगी। हमारी जो फैमिली है काफी बड़ी है, जिसके कारण मुझे ज्यादा बनाना पड़ा ताकि सबका हो और हम लोग सब मिलजुल के खाए। तो इसको अच्छा से मैं चाशनी के साथ मिला लेती हूँ, बस मैं पलट देती हूँ ताकि ये अच्छा से मिल जाए। ये आप देख सकते कितनी गाढ़ी है, देखिए बहुत बहुत रसीला, बहुत मीठा है क्योंकि मैं चीनी ज्यादा। और दोस्तों इधर से जो मैं खरबूज की जो बीज लाई थी उनको मैं दे दी, इसको अच्छा से मैंने फ्राई किया है। बोले तो ज़्यादा मैंने इनको फ्राई नहीं किया, हल्का सा की हूँ। और ये रही मैंने दे दिया, इसमें क्या होती है ना अच्छी दिखती है, लुक अच्छी आती है। तो क्या बोलते हैं कि उधर मेरी तो बन गई बूंदी, और इधर मैंने क्या किया, थोड़ा सा बेसन का, सबने कहा कि पकौड़ी भी बना दो, तो ये मैंने पकौड़ा बना दिया है। प्याज मिर्चा अच्छा से मिला कर सबको गर्मा गर्म दे रहे। ला कटोरी, ला किसको दूँ? भैया को। भैया को, भैया को। तो दोस्तों ये मैंने अभी ये पिस्ता मिला दिया, जो हरा हरा दिखाई दे रहा है वो मैंने पिस्ता मिला दिया। और हम लोग तीनों लग गए हैं लड्डू बनाने के लिए, और जितना जल्दी लड्डू बनेगा उतना ही जल्दी हमारे मुंह में गबक गबक घुसेगी। ये मेरे लड्डू, फर्स्ट लड्डू दोस्तों, ये देख सकते हैं मेरी फर्स्ट लड्डू, और ये मैंने रख दिया साइड में। अभी जल्दी जल्दी बनाती हूँ हम लोग लड्डू, सबका सब साइज का बन रहा है, जो जैसा है उस साइज का लड्डू बन रहा है। मेरा सबसे छोटा साइज सबसे छोटी है इसलिए सबसे छोटा साइज। दोस्तों आप लोग सब देख सकते हैं, ये आप
आपकी सिस्टर ने बनाई है बूंदी के लड्डू। ये देख सकते हैं छोटे छोटे, ऐसे हम लोग तीन जन मिल के बनाए, मैं, जीजाजी, मेरी भाभी, तीनों मिल के बनाए, तब जाके ये बूंदी बना, बूंदी का लड्डू बना। ये देख सकते हैं अभी हम लोग किसी को दिए नहीं है, अभी सबको बांटेंगे, खाएंगे। तो ठीक है, सबसे पहले मेरी भाभी जी को खिलाया जाए। हमेशा मुंह मीठा होना चाहिए, क्योंकि अभी अभी इसी क्या बोलते मार्केट में अभी गर्म है बोले तो अभी इनका शादी का लड्डू बहुत जन नहीं खाया है, तो हम लोग सोचे क्यों ना घर ही में बना ले। अभी जो आएगा, जैसे हमारी फैमिली में, कोई आता है तो बोलता है कि साधु के लड्डू नहीं खिलाए, ये खिलाए, इसलिए स्पेशली बनाई, जो भी मांगेगा मैं उनको खिला दूंगी। सही बोले ना? बिल्कुल सही बोले हैं, मुझे पता है। तो सबसे पहले मैं अपनी भाभी को खिला दूंगी। ठूसो, अब कुछ बोल के, अब गाना बोलो, एक गाना बोल के सुना, बोलो ना सबसे एकदम अच्छा अच्छा वाला गाना बोलो, एक गाना बोलो तो ऐसे ये वाला गाना बोलो, क्या बोलते हैं, दर्द दे दिल ना, कुछ अच्छा गाना, मुझे याद नहीं आ रहा, एक अच्छा गाना बोलो ना तुम्हारा फेवरेट गाना बोले लड्डू गुस्सा के गाना हो जाए तो मस्त, कोई भी गाना बोल दो जो अच्छा लगे, जैसा आता है, सुनना चाहता है पब्लिक, आपके क्या बोलते हैं देवर लोग, आपके ननद लोग सब वेट कर रहा है कि आप कब गाना बोलिएगा। लड्डू खत्म हो गया, हमने लड्डू खत्म हो गया, आपने बनी है, मीठा मीठा सब सही है। चलिए अब मैं और एक में एग्जाम में पास हो गई। अब मेरा पारी, अब आप गाना बोलिए अब गाना पहले गाना बोलिए ना, उसके बाद अंदर जाएगा तब जाएगा। दुखाए वो पछताए, तो दोस्तों आपने देखा पहली बार कोई लड़की अपनी शादी को लड्डू खुद अपने हाथों से बनाई है। आई होप आज का ये मेरा रेसिपी बूंदी से बना हुआ लड्डू पसंद आया होगा। पसंद आया तो प्लीज जल्दी से हमारी वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करें। तब न्यू आए हैं तो सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।